हाय गाइस, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल कॉल। तो गाइस यार, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज एथिकल हैकिंग, इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग एंड व्हाट आर द बेसिक नीड्स टू बिकम एन हैकर। तो गाइस सेम आज जो हम कवर करने वाले हैं अपने सेशन टू का दो टॉपिक्स, यानी कि व्हाट इज वर्चुअल बॉक्स एंड हाउ टू इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स एंड वॉट इज Kali Linux एंड हाउ टू इंस्टॉल Kali Linux ऑन वर्चुअल बॉक्स। उसी के साथ साथ आपको टॉपिक के एंड में वॉट इज Kali Linux, इस टॉपिक के एंड में आपको एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा। तो उस ट्विस्ट को देखने के लिए जल्दी बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, और जो वीडियो का एंड होगा उसके अंदर तो आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला ट्विस्ट मिलेगा, जो अभी आज तक मैंने अपनी वीडियो में कभी नहीं डाला है वो वाला ट्विस्ट। ठीक है, तो यार प्लीज़ मैं यही करूँगा रिक्वेस्ट कि वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक ठोक दीजिएगा अगर ज़्यादा अच्छी लग गई तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है यार। देखो आपकी मर्जी, अब मैं फोर्स नहीं कर सकता। पर हाँ, आज के जो एम है, जो लाइक्स का एम है, वो मैं आपको एंड में जा करके बताने वाला हूँ, वीडियो के एंड में। ठीक है, अभी बता दिया तो यार। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने एक स्क्रीन दिख रही होगी प्रेजेंटेशन की, जहाँ पे लिखा है सेशन टू एथिकल हैकिंग फुल कोर्स सेशन टू। ठीक है, यानी कि आज हम सेशन टू करने जा रहे हैं। तो आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं व्हाट इज वर्चुअल बॉक्स, इंस्टॉलिंग वर्चुअल बॉक्स बेसिक्स, व्हाट इज Kali Linux एंड डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग Kali Linux। एंड जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि आपको एक बढ़िया जो तड़कता एक ट्विस्ट मिलने वाला है, तो वो ट्विस्ट भी इसी इंडेक्स में हम कवर कर लेते हैं। तो और डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग Kali Linux के बाद हम करने वाले हैं एक ट्विस्ट। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं व्हाट इज वर्चुअल बॉक्स की तरफ। ठीक है, तो वर्चुअल बॉक्स एक्चुअली में क्या है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वर्चुअल बॉक्स ओरेकल कंपनी एक है, ओरेकल उसी का है। ठीक है, ओरेकल VM, ठीक है, वर्चुअल मशीन वर्चुअल बॉक्स इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स इंटू 86 यानी कि x86 वर्चुअलाइजेशन मॉड्यूल। ठीक है, यानी कि ये जो वर्चुअल बॉक्स है ये एक ऐसा फ्री और ओपन सोर्स मॉड्यूल है जिसके अंदर हम इंटू 86 आर्किटेक्चर के जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनका वर्चुअलाइजेशन, यानी कि एक वर्चुअल तरीके से उसको हम चला सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसको एक प्लेटफॉर्म होते हुए भी हम एक प्लेटफॉर्म होते हुए भी हम उसको दूसरा इंस्टॉल, यानी कि एक टाइम पे हम दो दो प्लेटफॉर्म चला रहे हैं उसको हम वर्चुअलाइजेशन इस टाइम पे कह देंगे। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें कहा गया है कि इट वॉज फर्स्ट ओन्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम, यानी कि जिस कंपनी ने जावा बनाई थी फर्स्ट टाइम उसी का ये था वर्चुअल बॉक्स। ठीक है, बट बाद में 2010 के बाद क्या 2010 में ही ये जो वर्चुअल बॉक्स है वो इसने ओरेकल ने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, यानी कि जो सन माइक्रो सिस्टम्स था उससे हड़प लिया था इस ओरेकल ने वर्चुअल बॉक्स को। ठीक है, देन इट इज मेड फॉर वर्चुअलाइजिंग अदर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन ए रनिंग OS, यानी कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है उसी के ऊपर हम अगर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम रन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, और वो जो वर्चुअलाइजेशन होता है वो इसी वर्चुअल बॉक्स में होता है। ठीक है, अब एक होता है वर्चुअल बॉक्स और एक होता है VMware, यानी कि वर्चुअल मशीन वेयर। ठीक है, VMware वर्क स्टेशन का नाम सुना होगा, तो वर्क स्टेशन से हम क्या समझते हैं कि वर्क स्टेशन मतलब बहुत सारा सेट हो गया ना, सिस्टम का बहुत सारा सेट हो गया वर्क स्टेशन। ठीक है, तो इसमें भी वही होता है कि हम अनलिमिटेड सिस्टम कर लेते हैं जी। ठीक है, तो आप समझ ही सकते हो कि कितना पावरफुल होगा ये और कितनी अच्छी तरीके से इसको हमने बनाया गया है, मतलब साइंट माइक्रो सिस्टम ने इसको कितनी अच्छी तरह से बनाया है। बाकी ओरेकल ने तो बस इसको हड़प लिया, इसमें कुछ वैसे नहीं किया। हाँ, बाकी के 2010 के बाद जो अभी तक 10 साल में जो अपडेट्स आए हैं वो ओरेकल ने दिए हैं, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये इंस्टॉल कहाँ कहाँ हो सकता है, तो इंस्टॉल होने में ये कहीं भी हो सकता है। ठीक है, विंडोज़ पर भी हो सकता है, चाहे वो विंडो विस्टा हो, चाहे वो XP हो, चाहे वो 7 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 8 हो, चाहे 8.1 हो। ठीक है, किसी पर भी हो सकता है। देन मैक OS, जिसको आप एप्पल के नाम से जानते हैं,
उस पर भी हम कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है उस पर भी, बस सबका वर्जन अलग अलग आता है ना। फिर लिनक्स पर तो कर ही सकते हैं भैया, लिनक्स तो अलग ही बात, लिनक्स तो अपने ही हार्ड बात में। फिर सोलारिस, यार कभी मैंने सोलारिस चलाया नहीं बट इसके बारे में सुना है और इसको देखा है मैंने, ठीक है इस पर भी हम कर सकते हैं। और ओपन सोलारिस भी एक होता है तो इस पर भी हम कर सकते हैं। तो ये सारा हम चला करके देखेंगे, ऐसी बात नहीं है, हम एक एक करके सारे iOS डाउनलोड करेंगे, और iOS बोल रहा है ISO सारे सबके डाउनलोड करके सबको इंस्टॉल करेंगे, चाहे वो विंडोज हो, मैक OS हो, चाहे ओपन सोलारिस हो, ठीक है सारे इंस्टॉल करेंगे, चिंता मत करिए। बट दिक्कत ये है कि मेरा जो सिस्टम है वो 4GB रैम का है, तो थोड़ी सी आपको लैग देखने को मिल सकती है, तो उसके लिए सॉरी इन एडवांस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि हम इसके अंदर क्या क्या इंस्टॉल कर सकते हैं। पहले तो हमने पढ़ा था ये जो यहाँ पे देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वैसे तो ये दोनों मतलब ज़्यादातर सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है, बट इनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि अभी यहाँ पे जो हमने पढ़ा, एक सेकेंड मैं पेन ले लूँ, मेरा ये वाला जो हमने पॉइंट पढ़ा था वो ये था कि जो वर्चुअल बॉक्स है वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर इंस्टॉल हो सकता है, ठीक है। और हम ये यहाँ पर भी जो पढ़ रहे हैं वो हम ये पढ़ रहे हैं कि वर्चुअल बॉक्स के अंदर हम कौन कौन से प्लेटफॉर्म इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें सिमिलैरिटी ये है कि देखिए फर्स्ट वाला विंडोज, ठीक है, इसमें भी फर्स्ट विंडोज, सेकेंड मतलब लिनक्स है इसमें भी, और इसमें भी लिनक्स है ये रहा, ठीक है। फिर यहाँ पर एंड्रॉयड है और एंड्रॉयड इसमें नहीं है, ये थोड़ी सी डिफरेंस है इसमें। फिर एप्पल है और यहाँ पे भी मैक है, ठीक है। यहाँ पे सोलारिस है और ये रहा सोलारिस, और ओपन सोलारिस में लिखना भूल गया क्योंकि एक ही बात हो जाएगी फिर तो, ठीक। एंड मैनी मोर, यानी कि और भी थोड़े बहुत बचे हैं वो भी इसके अंदर लपेट लेंगे हम। तो ये थे वो वाले प्लेटफॉर्म जो हम वर्चुअल बॉक्स के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि यार इंस्टॉल कैसे करेंगे अब इसको, बाकी तो तुमने कहानी पूरी पढ़ा दी बट यार इंस्टॉल करना नहीं सिखाया। तो देखो भाई, इंस्टॉल करने में कोई महान बात नहीं है, बस आपको जाना है जो गिवन नीचे साइट है उसके पास और डाउनलोड वाले सेक्शन में जा करके उसको कर लेना है डाउनलोड। अब आपको नोट एक चीज़ करना है कि आपको अपने विंडोज़ के आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंगली ही डाउनलोड करना है। अगर मतलब x86 यानी कि क्या बोलते 32 बिट का जो आपका सिस्टम है तो आप 32 बिट का ही डाउनलोड करिए। अगर आपका x64 यानी कि 64 बिट का है तो आप 64 बिट का ही डाउनलोड करिए, नहीं तो नहीं चल पाएगा। ऑलराइट, चलिए अब किसी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं समझ में आया होगा, तो उनके लिए कि फॉर एग्जांपल मेरा जो आर्किटेक्चर है वो 64 बिट का है, ठीक है, यानी कि x64 है, तो मैं अपने विंडोज 10 में 64 बिट का ही वो exe जो सॉफ्टवेयर है वर्चुअल बॉक्स वो डाउनलोड करूंगा। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि यार आर्किटेक्चर कहाँ से चेक करना होता है, तो चलिए एक बार उस पर भी नज़र मार लेते हैं। ये आपका जो डेस्कटॉप होता है वो कुछ इस तरह से खुल के आया होगा, आपको बस जाना है अपने दिस पीसी में और इसको कर लेना है बस ओपन सिंपली, और यहाँ पर आने के बाद इसमें जाना है प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद जैसे ही आप प्रॉपर्टीज़ को क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास एक स्क्रीन खोल करके आएगी सिस्टम के नाम से, और यहाँ पर आपको अपना इंस्टॉल्ड रैम और यहाँ पे आप सिस्टम टाइप यानी कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम x64 बेस्ड प्रोसेसर ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। यहाँ पे आप अपना विंडोज़ देख सकते हैं, मैं आपको अपनी सारी स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ एक बार। मेरा इंटेल का कोर i3 है 5005 UCPU @2.00GHz की स्पीड के साथ, जो कि अभी 1.99GHz की स्पीड ही रह गई है, ठीक है। 4GB रैम है मेरे अंदर इंस्टॉल्ड, मतलब मेरे अंदर नहीं मेरे सिस्टम के अंदर। देन 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरा, 64 बिट का ही मेरा प्रोसेसर है। पेन एंड टच मेरे इसमें अलाउड नहीं है क्योंकि यार गरीब से आदमी, हम गरीब से लैपटॉप ले रखा है, ठीक है। चलो विंडोज़ मेरा जो एक्टिवेटेड है, बाकी इसमें और कुछ दिखाने के लायक नहीं, हम आ जाते हैं वापस अपने प्रेजेंटेशन में। तो भाई यार मैं एक बार आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कि कैसे आप इसको कर सकते हैं डाउनलोड। तो यार अभी मैं उदुल भाई की वीडियो देख रहा था, सॉरी। तो अभी हम अपनी गूगल क्रोम पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमें सिंपली सर्च करना है वर्चुअल बॉक्स, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं वर्चुअल बॉक्स। और जैसे वर्चुअल बॉक्स लिख करके आप एंटर हिट करेंगे, यहाँ पे आपको virtualbox.org ऑर्गेनाइजेशन की जो साइट है वो आपको मिल जाएगी। आपको सिंपली जाना है उसके साइट पर और वहाँ पर आपको एक डाउनलोड का कॉलम मिलेगा,
या तो आप यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसके अंदर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं सिंपली इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। वही बात हो गई, देखो यार डाउनलोड के कॉलम में आना ही पड़ गया। ठीक है, अब ये देखो विंडोज होस्ट यहाँ पे सारे लिखा हुआ है। ठीक है, यार ये देखो OS X यानी कि मैक OS, लिनक्स और सोलरिस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये इन सारे प्लेटफॉर्म पर चल सकता है, तो उन सारे के लिए इसने पैकेजेस दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ से आपको ये जो भी डाउनलोड करना होगा आपको सारा यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो यार मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है, तो मैं सीधे अब जाता हूँ इसको इंस्टॉल करने के लिए। तो इंस्टॉल करने के मतलब जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद ये कुछ दिखेगा इस टाइप का। जस्ट अ मिनट, मैं एक बार इसको सर्च कर लूँ। तो ओके गाइस, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जो ये आइकन सेलेक्ट कर रखा है यही है, वो मैंने डेस्कटॉप पर ही रख रखा था। मैं उसके अंदर ढूंढ रहा था पता नहीं कितने देर से। ठीक है, तो यार वो मैंने स्किप कर दिया, इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा, आप मेरे को बुद्धू मत समझिएगा। चलिए, तो अभी यहाँ पे जो इसको जो सेटअप है हमारा 162 MB का, उसको हम आराम से कर लेते हैं ओपन। और ओपन करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास क्या डायलॉग बॉक्स आता है। वैसे तो मैंने इसको कर रखा है इंस्टॉल, बट मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इंस्टॉल करना है इसको। तो ये अपना ये रहा सेटअप, और यहाँ पे बस आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। ये देखिए मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है, इसीलिए बोल रहे हैं कि रिपेयर करना है या रिमूव करना है। ठीक है, बस आपको इसके अंदर नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, कुछ नहीं करना है, ये सारा चीज अपने आप ही इंस्टॉल कर देगा। ऑल राइट, तो अभी मैं इसको करता हूँ क्लोज और आपको दिखाता हूँ कि इसका इंटरफेस कैसा है फर्स्ट टाइम का। ठीक है, फिनिश कर दो। चलो गाइस, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वर्चुअल बॉक्स के बेसिक्स की तरफ। तो यार बेसिक्स तो हम तभी सीखेंगे जब हम वर्चुअल बॉक्स का मुंह दिखाई कर देंगे। तो सबसे पहले इसकी मुंह दिखाई करते हैं वर्चुअल बॉक्स की, और ये रहा हमारा वर्चुअल बॉक्स। ओके भाई, खुल जा जल्दी से, तेरे लिए मैं पैसे लाऊं थोड़े बहुत मुंह दिखाई के, तेरे को गूगल पे कर दूंगा। अभी पैसे देने अच्छे नहीं है ना, कोविड फैला हुआ है। ठीक है, चल भाई जल्दी से खुल जा, ये आ गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है, और इसी के बारे में थोड़ा सा हमारा ट्विस्ट है, मैं आपको थोड़ी सी गिनती भी दे देता हूँ। और अभी मत सोचने लगना क्योंकि आगे मैं जो बताने वाला हूँ वो भूल ना जाना आप कहीं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे जो आप इंटरफेस देख पा रहे हैं ये फर्स्ट टाइम वाला हमारा इंटरफेस है। फर्स्ट टाइम आपको ये सब नहीं दिखेगा क्योंकि ये सब मैंने इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए ये सब आपको दिख रहा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम में आपको ये सब कुछ नहीं दिखेगा, आपको एक ब्लैंक स्क्रीन मिलेगी, ये सारा आपका ये जो बार है और ये सारा ये सब आपको वैसे ही मिलेगा। अब बात आती है कि सर इसके अंदर हम एक न्यू मशीन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, क्रिएटिंग अ न्यू मशीन। तो गाइस सबसे पहले आप जो आपको इंटरफेस दिख रहा है यहाँ पे, आपको सबसे पहले फाइंड करना है कि न्यू का बटन कहाँ पर है। अब न्यू को आप दो तरीके से ढूंढ सकते हो, एक तो फाइल के अंदर जा करके, या फिर आपको सामने ही एकदम, अगर आपकी नजरें ठीक हो तो सामने ही आपको सेटिंग्स के एकदम लेफ्ट में बिल्कुल ही एकदम सट करके साइड में एक न्यू का बटन दिख रहा होगा, ये वाला, आप इसको क्लिक कर सकते हैं। या फिर आप फाइल में आ करके यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, या फिर एक्सपोर्ट की तो बात की बात है, यहाँ पे आप करके इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंपोर्ट भी एक तरह से न्यू ही होगा क्योंकि भाई इंपोर्ट कर रहे हैं तो नई नई चीजें इंपोर्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो इंपोर्ट का तो मैं अभी आपको बताऊंगा बाद में, सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर न्यू में। ठीक है, न्यू में जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम डालना होगा और यहाँ पे अपने टाइप डालनी होगी। तो टाइप अभी बाय डिफॉल्ट विंडोज सेलेक्ट हो रखा है, ये देखो लिनक्स, सोलरिस, BSD, IBM OS 2, Mac OS X और अदर। ठीक है, तो गाइस इतना सारा हम इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं प्लेटफॉर्म। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई सा भी विंडो हो भाई साहब, कोई सा भी ले लेगा बंदा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो अभी इसके आगे हम बढ़ेंगे बाद में, उससे पहले हम पढ़ेंगे काली लिनक्स के बारे में।
ठीक है, तो अभी इसके थोड़ा बहुत और बचा है वो भी पढ़ लेते हैं। तो सेटिंग्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो वो भी अभी बाद में पढ़ेंगे। फिर चेंजिंग व्यू भी पढ़ेंगे, फिर चेंजिंग डिवाइसेस भी पढ़ेंगे, और स्टार्टिंग वर्चुअल मशीन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यार देखो, अब सेटिंग्स वगैरह तो तभी हम करेंगे ना जब हमने कोई वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर रखी हो। तो सबसे पहले हमें वर्चुअल मशीन करना पड़ेगा इंस्टॉल, ठीक है, और उस वर्चुअल मशीन के बारे में हम जानेंगे अभी जस्ट आगे। तो ये रहा हमारा वर्चुअल मशीन, यानी कि काली लिनक्स। ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा सा बन गया है, सॉरी, ये मैं जल्दीबाजी में करने लगा ना, बस यही काम हो जाता है मेरा। चलो खैर कोई बात नहीं। काली लिनक्स इज ए डेबियन डिराइव्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइंड फॉर डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड पेंट्रेशन टेस्टिंग। इट इज मेंटेन्ड एंड फंडेड बाय ऑफेंसिव सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसने बोला है कि जो काली लिनक्स है वो एक डेबियन डिराइव्ड लिनक्स है। ठीक है, यानी कि डेबियन एक टाइप है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है डेबियन। ठीक है, और उस डेबियन से ही बना हुआ है ये लिनक्स, मतलब काली लिनक्स। ठीक है, ये मेनली किस काम में आता है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये मेनली काम आता है डिजिटल फॉरेंसिक्स में, यानी कि कुछ छानबीन करनी हो, किसी ने कोई क्राइम, कोई साइबर क्राइम किया हो, उसकी छानबीन करनी हो, है ना, तो वो डिजिटल फॉरेंसिक्स में आ जाता है। ठीक है, और पेंट्रेशन टेस्टिंग यानी कि हम अपने सर्वर को चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या वल्नरेबिलिटी है। अच्छा, वल्नरेबिलिटी से याद है, मैं आपको बेसिक चीजें बताना भूल गया, तो अभी काले नीले के बाद हम जस्ट वो करने वाले हैं। तो पेंट्रेशन टेस्टिंग से मेरा ये मतलब था कि जैसे कि मेरा कोई सर्वर है, मैं उसके अंदर चेक करना चाहता हूँ कि ये हैक हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ठीक है, तो मैं पेंट्रेशन टेस्ट करूंगा अपने सर्वर का। ठीक है, उससे मेरे को पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या वल्नरेबिलिटी, यानी कि इसके अंदर क्या क्या कमजोरी है जिसके वजह से मेरा जो सिस्टम है वो हैक हो सकता है। ठीक है, तो जो वल्नरेबिलिटी है, ये एक टर्म है वल्नरेबिलिटी, इसका मतलब होता है कि क्या ऐसी कमजोरी है मेरे सर्वर या मेरे सिस्टम या जो भी मेरे फाइल है उसके अंदर जिसके वजह से वो हैक हो सकता है या गलत हाथों में जा सकता है। ठीक है, देन इट इज मेंटेन्ड एंड फंडेड बाय ऑफेंसिव सिक्योरिटी। तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी एक कंपनी मान लीजिए, या फिर एक कोई जैसे यहाँ पे ओरेकल था और साइन माइक्रो सिस्टम था वीएमवेयर के टाइम पे, वैसे ही यहाँ पर वीएमवेयर नहीं, वर्चुअल बॉक्स, वैसे ही यहाँ पर ये ऑफेंसिव सिक्योरिटी है। तो ये जो काली लिनक्स वगैरह चलते हैं वो सारे ऑफेंसिव सिक्योरिटी के अंडर ही चलते हैं। इसको फंड भी यही करता है ऑफेंसिव सिक्योरिटी, और मेंटेन भी यही करता है। ठीक है, तो ये जो काली लिनक्स है उसकी मैं आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री बता देता हूँ, हिस्ट्री जानना जरूरी है। तो ये जो काली लिनक्स है वो 2013 में बनकर आया था। ठीक है, 2013 से पहले क्या चल रहा था वो मैं आपको बता देता हूँ। उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था बैक ट्रैक। ठीक है, उसी बैक ट्रैक को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके, उसी बैक ट्रैक को और थोड़ा सा अच्छा बना करके, थोड़े से अपडेट ला करके उसको बना दिया काली लिनक्स। ठीक है, तो जो बैक ट्रैक था उसके अंदर 600 प्लस पेंट्रेशन टेस्टिंग टूल्स थे, यानी कि हैकिंग टूल्स थे, और मतलब ऑडिट करने के लिए 600 प्लस पेंट्रेशन मतलब ऑडिट टूल्स थे, यानी कि बस हम नाजा भी हैक कर सकते थे भाई साहब, इतनी पावर थी हमारे पास। बट जो काली लिनक्स आ गया ना, उसके अंदर मेरे को इतने सारे टूल्स देखने को नहीं मिल रहे। या तो इन्होंने डाउनलोड करके नहीं भेजा, पता है बैक ट्रैक कितने जीबी का था? 8 जीबी का, मतलब था नहीं, अभी भी है, मैंने भी डाउनलोड कर रखा है बैक ट्रैक। 8 जीबी की फाइल थी भाई साहब, उसकी हालत खराब हो गई थी डाउनलोड करने में, 2-3 हफ्ते लगे थे, तब मेरे पास ब्रॉडबैंड नहीं था यार, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन चल रही थी लाइफ में। तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बैक ट्रैक इज बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम इन डेबियन एज कम, मतलब इंग्लिश तो यार मेरे को नहीं आती, फिर भी थोड़ी बहुत बोल देता हूँ, इफ कंपेयर्ड टू काली लिनक्स। ठीक है, तो ये जो काली लिनक्स है उसको मतलब जो बैक ट्रैक था उसको थोड़ा सा अपडेट ला करके उसको थोड़ा सा इजी बना दिया गया, क्योंकि बैक ट्रैक सबके यूज करने की बस की नहीं थी, वो प्रोफेशनल पेंट्रेशन टेस्टर्स ही यूज कर पाते थे। ठीक है, तो इसीलिए अब इन्होंने क्या किया ऑफेंसिव सिक्योरिटी वालों ने, कि वो सोचे कि यार जो बिगेनर्स हैं वो क्या कर पाएंगे, फिर वो उबंटू से स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने इसको थोड़ा सा इजी कर दिया, और जो कॉम्प्लिकेशंस बैक ट्रैक में थी उसको डिलीट कर दी। ठीक है,
अब इससे क्या होगा कि जो बिगेनर्स हैं वो आराम से इसको यूज कर पा रहे हैं, और इससे क्या होगा कि भाई साहब अब ऑफेंसिव सिक्योरिटी वालों के पास पूरा मतलब सेल पर्सन को मतलब पूरे एकदम भर गए हैं, काली लेना चाहिए खरीदे जा रहे हैं बंदे, पता नहीं किस लिए भाई, कोई एक रीजन भी मुझे नहीं पता किस लिए इतना ज्यादा घटिया बना रखा है काली लेना उसको, बस मैं क्या ही बोलूँ। इसीलिए आपको मैं थोड़ा सा ट्विस्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया है ट्विस्ट की बारी, तो ट्विस्ट में आज हम ये देखने वाले हैं कि यार काली लिनक्स मुझे पसंद नहीं है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम काली लिनक्स यूज नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं पैरेट सिक्योरिटी 4.7 OS, जो कि लिनक्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन है, डेबियन है, मतलब डेबियन का एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं काली लिनक्स इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे काली पसंद नहीं है, काली लिनक्स, आई डोंट लाइक काली लिनक्स। मैंने इससे पहले जितनी भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग करी है, जितनी भी हैकिंग की जो भी प्रैक्टिसिंग करी है, मैंने डॉस करा है और MITM करा है, मैन इन द मिडल अटैक और डेनाइल ऑफ सर्विस और पिंग ऑफ डेथ और डिस्ट्रीब्यूटेड डेनाइल ऑफ सर्विस, ये जितना मैंने किया है ये सारा मैंने पैरेट पे किया है। काली पे भाई साहब काली के बस की नहीं है ये सारा करना, पता नहीं कैसे लोग इसको यूज कर ले रहे हैं। तो गाइस यार मैं सबसे पहले आपको पैरेट सिक्योरिटी 4.7 की स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। तो इसका जो साइज है, जो एक्चुअल साइज है जो वर्चुअल बॉक्स में लगता है वो है 5.28 GB। अब इसका मैं आपको बताऊंगा कि ये 5.28 GB क्यों है और काली लिनक्स 2 GB का ही क्यों है। अब आपको साइज से ही पता चल रहा होगा कि यार इसका 5 GB है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ खास होगा, ठीक है, और कुछ देख करके ही मैंने इसको चुना होगा, खास इसके अंदर कुछ होगा तभी मैंने इसको चुना होगा, ठीक है। तो गाइस देखो पैरेट सिक्योरिटी में कम से कम, नहीं तो 400 प्लस टूल्स एक्स्ट्रा होंगे काली लिनक्स के कंपेयर में, ठीक है। अब मेरे हिसाब से 400 हैं, आपके हिसाब से 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, बट मैंने इसको जितने डीपली यूज़ किया है ना उतना आपने नहीं किया होगा, इसीलिए मैं आपको सजेशन ये दे रहा हूँ कि आप पैरेट OS ही यूज़ करिए। अगर आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं तो आप पैरेट OS यूज़ करिए, अगर आप ऑफेंसिव एक्सपर्ट यानी कि अटैकर बनना चाह रहे हैं तब भी आप पैरेट OS ही यूज़ करिए, ठीक है। आपको कोई भी नहीं पकड़ सकता पैरेट OS में, इतना तगड़ा सिक्योरिटी इन्होंने बना रखा है, ठीक है। काली में एक बार फॉर्म पकड़े भी जा सकते हैं बट पैरेट सिक्योरिटी में पकड़ने का कोई चांस ही नहीं बनता है, ठीक है। अब वो अलग बात है कि भाई मेरे जैसे कोई महान 108 बार महान कोई ऐसा हो अब वो पकड़ ले कोई अलग बात है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। देखो इस पकड़ तो कोई भी सकता, मतलब ऐसी बात नहीं है, जो एकदम ट्रेंड होगा ना, जो भी एकदम ट्रेंड हैकर होगा वही पकड़ पाएगा, बस कोई उसके अलावा नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये था हमारा ट्विस्ट और यहाँ पे हमारी प्रेजेंटेशन वाली सेशन खत्म होती है। अभी हम आ जाते हैं अपने प्रैक्टिकल वाले पर। तो ये जो आप देख पा रहे हैं पैरेट सिक्योरिटी, आज हम करने जा रहे हैं इसको इंस्टॉल। तो जैसे कि मैंने बोला था कि इंस्टॉल करने के लिए हम जाते हैं न्यू वाले बटन पर, तो न्यू वाले बटन पर हम चले गए हैं। और हमारा नाम क्या होगा भाई, हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम होगा पैरेट OS POS 4.7, ठीक है। क्योंकि यार मैं पैरेट सिक्योरिटी नहीं रख सकता क्योंकि मैं पहले से भी एक पैरेट सिक्योरिटी का एक ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने POS रख दिया है, पैरेट OS, ठीक है, 4.7। तो चलो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख पाते हो टाइप की बात आ रही है, तो टाइप हमारा क्या होगा, टाइप होगा हमारा लिनक्स, क्योंकि यार ये जो पैरेट सिक्योरिटी और लिनक्स है। अब वर्जन हम बताते हैं ओरेकल है या क्या है, तो यहाँ पे हम आराम से कर देंगे अपना या तो अदर कर देंगे, ठीक है, और या फिर हम यहाँ पर कर देंगे अपना डेबियन का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अदर करने वाला हूँ, अदर का 64 या ऐसा करते हैं अदर का 32 कर लेते हैं। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा, हाँ हो गया, ये डेबियन का 64 हम रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं डेबियन का 64 का रख रहा है। एक्सपर्ट मोड में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे नेक्स्ट पर आ जाइए और यहाँ पर आप अपने मेमोरी साइज एलोकेशन कर सकते हैं, ठीक है।
तो गाइस जैसा कि आपका सपोज करिए कि आपका जो रैम का जो साइज है वो 2 GB का है, यानी कि 2048 MB का है, 2048 MB का है, तो आप जो इसके अंदर मेमोरी एलोकेट कर पाएंगे वो खाली 1 GB की होगी, ठीक है। बट अभी यहाँ पे मेरा 2 GB का है, यानी कि 4096 MB का है, 4096 MB का है, तो मैं यहाँ पे इसको 2 GB एलोकेट कर सकता हूँ आराम से। बट अगर मैंने इसको 2 GB एलोकेट कर दिया तो भाई साहब मेरा सिस्टम यहाँ पर नहीं बच पाएगा, इसीलिए मैं इसको 1024 यानी कि 1 GB इसको एलोकेट कर रहा हूँ। अभी मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास कितना रैम फ्री है, क्योंकि यार उसी के हिसाब से हमें एलोकेशन करनी चाहिए। अगर आपने 2 GB की 2 GB पूरी दे दी तो भाई साहब दिक्कत ही हो जाएगी, आपका सिस्टम जो है पूरा क्रैश कर जाएगा, ठीक है। मेमोरी मेरे पास अभी 2.8 GB अवेलेबल है, वाह ए 2.8 GB यूज हो रखी है, 1.1 GB अवेलेबल है। मैं सोचा भाई साहब ये क्या हो गया, और मैंने वर्चुअलाइजेशन भी इनेबल कर रखा है तो मेरे को चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप भी वर्चुअलाइजेशन इनेबल कर सकते हैं, तो मैं 1024 MB दे रहा हूँ। नेक्स्ट करते हैं इसको, हार्ड डिस्क में वगैरह कुछ चेंज नहीं करना है, क्रिएट कर दो आराम से, इसमें भी वर्चुअल बॉक्स डिस्क इमेज करके नेक्स्ट कर दो, इसमें भी डायनामिक एलोकेटेड कर दो नेक्स्ट, और यहाँ पर आपको इसकी रोम की साइज देनी है, नॉट रैम, रोम यानी कि मतलब रीड ऑनली मेमोरी, तो रीड ओनली मेमोरी की आपको साइज देनी है, तो आप यहाँ पे 2 TB तक कर सकते हैं इसको एक्सपेंड। बट यार यहाँ पे 8 GB ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्योंकि 5 GB का है ये इसका पूरा साइज है, और फिर हमें मिलेगा 3 GB जिसके अंदर हम बहुत ही ज्यादा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको कर देते हैं हम क्रिएट, और क्रिएट करने के बाद ये आपका यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं POS 4.7 आ गया है, ठीक है। यहाँ पे हम अभी इसको कर देंगे आराम से सेटिंग्स में आ करके चेंज थोड़ा बहुत, तो मैं आपको सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ कि आपको मतलब मिनिमम क्या क्या सेटिंग रखनी चाहिए। तो सबसे पहले जनरल में आ जाते हैं, जनरल के अंदर एडवांस वगैरह में कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, ये सारे ऐसे नॉर्मल चीज़ें हैं। सिस्टम में आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको बेस मेमोरी देखने को मिल जाएगी कि आपको आप इसके अंदर कितना इंटरनल मेमोरी डालना है, यानी कि रैम डालना चाह रहे हैं। तो शुरुआत में ही हमने इसके अंदर 1 GB डाली थी, आगे की तरफ तो बात मत कर दियो रैम डालने की, बता रहा हूँ मैं, भैया। चलो भाई नेक्स्ट हम आते हैं बूट ऑर्डर पर, तो फ्लॉपी चाहिए या ऑप्टिकल डिस्क चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए या नेटवर्क चाहिए। तो देखो गाइस बूट मतलब तो आपको पता ही होगा, जब ऑपरेटिंग सिस्टम रन अप होता है मतलब स्टार्ट होता है तो उसको कहते हैं बूट, ठीक है। तो अब जैसे कि हम पेन ड्राइव से बूट करते हैं या हार्ड डिस्क से बूट करते हैं या फ्लॉपी से बूट करते हैं, तो उसी का जो अरेंजमेंट होता है वो इसके अंदर आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको फ्लॉपी को नीचे लाना है तो फ्लॉपी को नीचे ले आइए, ऑप्टिकल डिस्क ऊपर आ गया, ठीक है। अगर आपको ऑप्टिकल नीचे लाना है सबसे नीचे, तो आपको ऐसे ले आए। अगर नेटवर्क से बूट करवाना है तो नेटवर्क क्लिक करके नेटवर्क को सेलेक्ट करिए और इसको सबसे ऊपर ले आइए, ठीक है। तो बूट ऑर्डर तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि बूट कैसे इसके अंदर करवाना है। चिपसेट वगैरह आपको कुछ भी नहीं छेड़नी है, ये भी आप ऐसे ही रखिए, ठीक है, ये सारे भी आप ऐसे ही रखिए। प्रोसेसर की अगर हम बात कर लेते हैं तो मेरे पास है क्वाड प्रोसेसर, ठीक है, क्वाड कोर है मेरे पास, यानी कि मेरे पास 4 प्रोसेसर है फिलहाल। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं 4 CPU यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1 CPU से भी ज़्यादा दे देता हूँ, मतलब हाँ ठीक है 2 CPU दे देता हूँ तब यह काम चला लेगा, अगर मैं इसको 3 CPU दे देता हूँ तो भाई साहब ये गलत बताने लगेगा, ठीक है, क्योंकि अगर मेरे पास 1 CPU रहा हो तो मेरा जो सिस्टम है वो क्रैश हो जाएगा। तो ये ओरेकल जो है मतलब ये जो वर्चुअल बॉक्स है वो हमारे बारे में भी सोच कर चलता है, ये सेल्फिश नहीं है ज़्यादा। तो मैं इसको एक ही प्रोसेसर दूंगा फिलहाल, क्योंकि 3 प्रोसेसर मेरे को अभी चाहिए, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, मेरी प्रेजेंट मतलब पावर पॉइंट भी ऑन है, मेरा वीडियो एडिटर भी ऑन है, और मैं मतलब मेरा ये जो वर्चुअल बॉक्स तो चल ही रहा है अलग, और गूगल क्रोम तो भाई साहब सबसे ज़्यादा रैम खाता है। तो एक्सिक्यूशन कैप में आपको कुछ नहीं छेड़ना है, 100% रख देना है इसको,
ठीक है, एक्सटेंडेड फीचर में से भी आपको इसको कुछ नहीं छेड़ना है। डिस्प्ले में आप देख सकते हैं वीडियो मेमोरी आपको कितनी देनी है। इसके अंदर वैसे भी गेमिंग तो करनी नहीं है तो वीडियो मेमोरी की कुछ खास जरूरत नहीं है, 8 MB आप इसको दे सकते हैं आराम से। अगर आपको इसके अंदर वीडियो कोई सी देखनी है तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं क्योंकि रेंडर क्वालिटी कम आ सकती है। मॉनिटर साउंड यार हमारे पास एक ही मॉनिटर है तो कहाँ से ज़्यादा मॉनिटर लाएंगे, खाम खा की बात है। फिर स्केल फैक्टर मिनिमम और मैक्सिमम में आप चेंज कर सकते हैं, मैं मिनिमम रखने वाला हूँ ठीक है। और ग्राफिक कंट्रोलर में से भी आप कुछ चेंज कर सकते हैं अगर आपको ग्राफिक से कुछ काम हुआ तो ठीक है, बाकी मेरे को तो नहीं है इसलिए मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ। स्टोरेज में आ जाते हैं, कुछ नहीं छेड़ना है। ऑडियो में भी कुछ नहीं। नेटवर्क में अगर हम आ जाते हैं तो इसको नेट में रखिए, अगर आपका नेट नेटवर्क को रखा है तो उसको चेंज करके नेट में कर लीजिए ठीक है, क्योंकि इसका आगे काम आने वाला है। जब हम अपनी IP की बात करेंगे तो ये नेट का बहुत ज़्यादा काम है। सीरियल पोर्ट की कोई दिक्कत नहीं। USB अगर आपका USB 2.0 रखा है तो उसको USB 1.1 कर लो, क्योंकि गाइस USB 2.0 आई थिंक इसके अंदर सपोर्ट नहीं हो रहा है। इसलिए अगर आपके सिस्टम में सपोर्ट होता है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। शेयर फोल्डर कोई दिक्कत नहीं, यूजर इंटरफेस कोई दिक्कत नहीं। चलो गाइस इसको हम कर देते हैं ओके, और अभी हम करने वाले हैं इसको स्टार्ट। तो यार स्टार्ट जब हम करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक इंटरफेस खोल करके आएगा जिसके अंदर लिखा होगा अभी अभी जो आ रहा है, मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता क्या लिखा हो। खुल जा खुल जा खुल जा। देखो गाइस मैं बोल ही रहा था कि कम देना चाहिए, हाँ ठीक है हो गया। तो यहाँ पर जैसे आप खोलेंगे इसको फर्स्ट टाइम, यहाँ पे आपके पास इंटरफेस खोल करके आएगी। यहाँ पे बोलेगा कि बूटिंग डिस्क दो हमें, जिससे कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बूट हो सके ठीक है। तो इसके लिए आपको ISO डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आप इस मेथड से कर रहे हैं तो ठीक है। तो फिलहाल मेरे पास कौन कौन सी ISO है एक बार मैं चेक करता हूँ। अगर मेरे पास पैरेट OS की ISO हुई तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, नहीं तो बाद में देखना पड़ेगा। तो इसके अंदर आई थिंक पैरेट OS पक्का होगा, पक्का पैरेट होम की ISO है। पैरेट सिक्योरिटी नहीं है भैया? अच्छा मैं डाउनलोड नहीं हूँ ना, ये क्या हो रहा है। चलो गाइस पैरेट सिक्योरिटी मेरे पास ISO नहीं है, उसकी मेरे पास OVA फाइल है ठीक है, यानी कि ओपन वर्चुअलाइजेशन फॉर्मेट OVF, सॉरी OVA बोल रहा हूँ मैं, OVF ओपन वर्चुअलाइजेशन फॉर्मेट। तो मैं आपको ये पैरेट होम करके ही दिखा देता हूँ, बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको ओपन करना है और वो जैसे यश्न यश्न पूछते जाए बस वैसे ही कर देना है ठीक है। बाकी अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप पैरेट OS सिक्योरिटी कैसे यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा मेन है वो तो यार सिक्योरिटी है ना, हम सिक्योरिटी कर ही नहीं रहे, हम खामखा की बातें करते जा रहे हैं ठीक है। चलो गाइस तो अभी यहाँ पे जैसे कि आप फाइल में आएंगे और इंपोर्ट में आ जाएंगे, तो इंपोर्ट में आने के बाद आप यहाँ पे ये बोलेगा कि जो भी आपको इंपोर्ट करना है वो OVA या फिर OVF के फॉर्मेट में होना चाहिए ठीक है। ये देखो ओपन वर्चुअलाइजेशन फॉर्मेट ठीक है, OVF या फिर OVA इसी के फॉर्मेट में होना चाहिए। और जैसे कि मैं बोल रहा था कि मेरे पास जो पैरेट सिक्योरिटी है वो इसी के फॉर्मेट में है, तो ये देखो ओपन वर्चुअलाइजेशन फॉर्मेट, ये रहा OVF, ये रहा पैरेट सिक्योरिटी। तो मैं बस इसको ओपन कर दूंगा और ये जो अपना है इंपोर्ट होना चालू हो जाएगा ठीक है। मैं इंपोर्ट कर दूंगा, अभी अगर मैंने किया ना तो मेरी सारी रिकॉर्डिंग बर्बाद हो जाएगी क्योंकि ये पूरा 3 का 3 CPU ले लेगा और रैम मेरी पूरी हीट कर जाएगा ठीक है। तो यार अभी मैंने इसको इंपोर्ट कर रखा हूँ इसलिए मैं दोबारा से इसको इंपोर्ट नहीं करने वाला। तो गाइस यार आज वाली वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो होगी Session 3 जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे दूसरे टॉपिक्स जो कि मैं आपको बता दूंगा उसी वीडियो में। तो गाइस यार मैं आपको बताने वाला था कि हम आज के इस वाले वीडियो में जो लाइक्स के एम है वो कितने हैं, तो आज के जो लाइक्स का एम है वो है 17, क्योंकि प्रीवियस वीडियो ने 16 को क्रॉस कर दिया है। वैसे 16 क्रॉस नहीं किया है, अभी 16 पर ही है, वैसे उसका जो एम था वो था 15, बट यार आप लोग के सपोर्ट ने उसको 16 तक पहुंचा दिया है। तो गाइज यार इस वाली वीडियो में मैं 17 लाइक्स का एम रखता हूं, और गाइज यार जो मैं आपको ट्विस्ट एक दिखाने वाला था वो मेरे चैनल में मैं सबसे फर्स्ट बार कर रहा हूं। वैसे तो यार ये लाइव स्ट्रीमिंग पर करते हैं, बट यार आप लोग का सपोर्ट इतना आ रहा है इसीलिए मैं इसको वीडियो पे ही करना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकता हूं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो ट्विस्ट क्या है आखिर। तो गाइस यार आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं और स्क्रीन पे मेरी प्रीवियस वाली वीडियो ओपन हो रखी है जिसके अंदर मेरा जो 15 लाइक्स का जो एम था वो हो गया है कंप्लीट। तो गाइस यार अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो मैंने अपने चैनल पे पहले कभी भी नहीं किया है, तो आज मैं उन लोगों को शाउट आउट देने जा रहा हूँ जिन्होंने मेरे वीडियो पे किया था कमेंट।
तो गाइज सबसे पहले तो मेरा ही है टेक्निकल गॉड का। गाइज एडिटिंग में थोड़ी कमी रह गई थी प्रीवियस वाली वीडियो में, तो सॉरी फॉर दैट। और तो सबसे फर्स्ट जिस बंदे ने कमेंट किया वो है टेक्निकल गणेश। टेक्निकल गणेश, शाउट आउट टू यू ब्रो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कमेंटिंग ऑन माई वीडियो। मैं पक्का कह सकता हूँ एक लग इसका होगा। देन सॉन्ग लवर ब्रो, शाउट आउट टू यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ज्योति शर्मा, शाउट आउट टू यू माई बहन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पता नहीं कौन है। फिटनेस गुरु जी, शाउट आउट टू यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही देखते रहिए और सपोर्ट देते रहिए। राज राय ब्रो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड शाउट आउट टू यू राज राय। तो गाइज यार ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहिए और ऐसे ही शाउट आउट ले, मतलब इतना बड़ा भी यूट्यूबर नहीं हूँ बट यार देखो शाउट आउट मिल रही है तो लपेट लो, फ्री की मिल रही है, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं फिर कल वाले सेशन 3 में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, टाटा।